हाथ में है ट्रैप, यानी कि कोकर, आप देख सकते हो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज का ब्लॉग होने वाला है, जैसे देख सकते हो पीछे मैं चोरी में जा रहा हूँ, मतलब जंगल में जा रहा हूँ पानी में, और क्रैप और घोंगा चुनूंगा। इतना जन जा रहे हैं हम लोग, पूरा टीम है मेरा, और अभी जाएंगे पानी। देख सकते हो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है पानी, और बहुत ही पानी होने वाला है आगे। सो चलते हम लोग। सो फाइनली एक ठो घोंगा मिला, उठा लो उठा लो, दिखा दिखा इसको कैमरा में दिखा, एक ठो घोंगा मिला। सो चलते हैं और नेक्स्ट खबर। सो गाइस, अभी हमें मिल चुका है एक और घोंगा, जैसे कि आप देख सकते हो इतना मस्त मस्त बड़ा बड़ा है। सो ये भी देखिए, इस तो फेल्ट है, इसमें नहीं है, मिला एक झोरा पल्ला, ये झोरा में डालेगा। रखो सो गाइस, अभी हम मेरे हाथ में है क्रैप, यानी कि कोकरा, देख सकते हो अभी पकड़ाया है। OMG, देख सकते हो हाथ में लगा के पकड़े हैं। सो और आगे चलते हैं। या आ गया एक और, फाइनली एक और मिल चुका है, उठा लिया है, झोला में डाल दो। अभी मछली और घोंगा दोनों सामने दिखा, इधर पास मिल क्या देख सकते हो, एक ठो मछली है एक ठो घोंगा है, देखो जिसमें ये भी पकड़ा है। नाइस व्यू, पानी के अंदर कमल का फूल हो रखा है, मस्त देख रहे हो आप लोग। स्नेल चुनना हो चुका है, अभी जा रहा है लेकर अभी सब। माय गॉड। सो गाइस, हम लोग का 3 घंटा का मेहनत का फल ये है, मतलब हो चुका है 10 केजी के आसपास होगा घोंगा और कोकरा। सो अभी हम लोग इसको धोते अच्छे से, उसके बाद उबालेंगे, उसके बाद बनाएंगे। सो देखते रहिए मनोज सिंह ऑल ब्लॉग। ये देख सकते हो एक हांडी भर चुका है और अब उतना ही बचा हुआ है। सो इसको पहले उबाल लेते हैं, फिर उसको उबालेंगे। सो फाइनली चूल्हा भराने का कोशिश हो रहा है हम लोग का, चूल्हा जलने लगा, स्टार्ट हो चुका है उबालना, उबला गया है ऑलमोस्ट, देख सकते हो आप लोग अभी उबल चुका है, अभी इसको निकाल रहे इसमें से। सब लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मेहनत हो रहा है जबरदस्त, क्योंकि बहुत सारा था। देख सकते हो कि घोंगा छूट गया है, अब इसमें थोड़ा नमक ऐड करते हैं, फिर अच्छे से धोते हैं तो अच्छे से साफ हो जाएगा। तो करते हैं नमक ऐड, और थोड़ा नमक लेकर, अब नमक खत्म हो गई। इसको मिक्स कर देते हैं, मसाला। तो अभी तेल गर्म हो चुका है, अभी इसमें लहसुन ऐड होगा, देख सकते हो लहसुन ऐड हो चुका है और लहसुन ब्राउन हो चुका है। सो अभी प्याज इसमें डाल रहे हैं, सो फाइनली प्याज ब्राउन हो चुका है। सो इसमें घोंगा ऐड हो रहा है, देख सकते हो ऑलमोस्ट हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है, टाइम बहुत लगने वाला है, घोंगा है तो नमक डला रहा है इसमें, और इसको देख सकते हो कि कितना स्टाइल से वो देख रहा है, सुन लिया शायद। मसाला इसमें ऐड हो चुका है, झमोरना मन भी अच्छा है, मैं भी तुम से खाली खाली
फिर से इसमें थोड़ा सा ऐड हो गया कश्मीरी मिर्च और हल्दी पाउडर। ओह माय गॉड, बहुत ही मस्त स्मेल आ रही है इससे। अभी थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके फिर अच्छे से चला रहे हैं भैया। बहुत ही मस्त कलर हो चुका है इसका, देख सकते हो आप लोग। ओ बाप रे, हो गया है, सब्जी बन के रेडी है, देख सकते हो यहाँ पकड़ गया है। सो अभी बन के रेडी है सब मोटी और खाने वाला अभी रेडी है। अभी हम सब खा के बाकी नहीं, खाली कितना हो गया बाबा के लिए, हो गया गाइस। अभी बन चुका है और सब बट रहा है और सब कोई खा रहा है, देख सकते हो निकल रहा है। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो। खाने के चक्कर में सो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो। चाटा।